चलिए ओके, वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टुडे। लिखिए, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब एपरेटस। Using resonance tube apparatus, ठीक है? Apparatus अभी आप देख लोगे क्या है, formula used, I'll show you the theory, वहां से ही formula note कर लेना है आपने, you will draw diagram from the file, ठीक है? Schematic diagram थोड़ा सा roughly बना देना diagram। And after that, observations. In observations, we will be having one single tuning fork. So frequency of tuning fork, we will be writing here. कितने hertz ले रहे हैं हम? ठीक है? And then you will draw a table. I'll show you. आप note कर सकते हो वहाँ से. ठीक है? We are taking a tuning fork of frequency 256 hertz. 256 hertz, आप note कर लो, ठीक है? And I'll show you the apparatus once. This is resonance tube apparatus. ठीक है, ये है resonance tube apparatus. Right? So there is a water reservoir. और इसके अंदर हम water डालते हैं. And whatever level is there in this pipe, that is shown here. And ये आपकी closed organ pipe है, ये आपकी resonance tube है. It is closed from the bottom and open from above. ठीक है, तो ये आपकी resonance tube है. Resonance tube, I gave you example of a bucket being filled with water. तो जैसे जैसे हम water fill करते हैं, length of air column changes and it produces sounds of different frequencies. Same way, this resonance tube is also a closed organ pipe, closed from the bottom and open from the above. So, इसके अंदर जो भी level है ना water का, वो हमें यहाँ से दिखेगा इस transparent pipe से, and we can read that with the help of this scale. ठीक है, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा water level. तो अभी ये tube यहाँ तक fill हुई हुई है water से, ये यहाँ तक दिख रहा होगा, right? So, what we will do? We will keep on changing the length of air column. कैसे चेंज करेंगे? देर इज अ क्लिप अटैच्ड हियर, यहां पे एक हम क्लिप अटैच करेंगे, ठीक है? जहां तक हम उसको लेके आते जाएंगे और इसको हम मूव करते जाएंगे रिजर्वॉयर को नीचे, तो उसके अकॉर्डिंगली वाटर लेवल चेंज होता रहेगा, ठीक है? सपोज द क्लिप इज हियर एंड यू आर मूविंग द रिजर्वॉयर अप टू हियर, देन वाटर विल कम आउट. तो पहले आपको क्लिप को डाउन करना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू विल ब्रिंग इट लोअर, ठीक है? ये एक क्लिप है जो यहाँ पे हम लगाएंगे और इसको हम डाउन करते रहेंगे, एंड व्हेन वी विल चेंज द लेंथ, तो उसके अकॉर्डिंगली वाटर लेवल चेंज होता रहेगा. सो वी विल ट्राई आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर लेवल एंड वील गो ऑन हिटिंग द ट्यूनिंग फोर्क. Used to do in sonometer की एक length के लिए हम sonometer हम tuning fork को hit करते थे एक prong को, ठीक है? तो उसको उसके stem के against press करते थे. Here what we will do कि हम इसको hit करके इसके mouth के पास रखेंगे, closed organ pipe के mass mouth के पास बस रखते जाएंगे और हम ear लगा के सुनते जाएंगे कहाँ पे हमें loudest sound सुन रही है, वो length हमने find करनी है जहां पे हमें लाउडेस्ट साउंड, क्योंकि जहां पे फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके अंदर जो एयर कॉलम है उसकी फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाएंगी, लाउडेस्ट साउंड विल बी हर्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड विल बिकम मैक्सिमम, रेजोनेंस विल टेक प्लेस, एंड देन वी विल नोट डाउन दैट लेंथ. यहां से फिर वो लेंथ हम नोट करेंगे, वो हमारी रेजोनेंट लेंथ होगी.
अब एक ही ट्यूनिंग फोर्क से हमने दो रेजोनेंट लेंथ निकालनी है, दो बार हम इसको पूरी यहां से लेके यहां तक लेके जाएंगे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम चेंज करेंगे और ऐसे ही करते जाएंगे बार बार स्ट्राइक करके, जहां पे हमें लाउड साउंड सुनेगी दो बार सुनेगी अक्रॉस वन लेंथ, तो वो दो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे वो हमें ढूंढने हैं। तो वो L1 L2 हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस एपरेटस। तो रीडिंग अब आप लोगे सिमुलेटर से, आप रीडिंग लोगे सिमुलेटर की हेल्प से। स्टूल इधर ले आओ, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो जिसमें पूरा यही प्रोसीजर है। आज आपने रीडिंग्स लेनी है सिमुलेटर की हेल्प से। ओके, सो सी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी हो गई आपकी स्टेशनरी वेव्स की, आप डेफिनेशन दे दोगे स्टैंडिंग वेव्स की, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स की डेफिनेशन दे सकते हो, रेजोनेंस की डेफिनेशन दे सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे दो मोड्स बताए हुए, एक एल लेंथ है एक 3L लेंथ है। लाइक हमारी फर्स्ट रीडिंग अगर 20 सेंटीमीटर पे आती है तो दूसरी रीडिंग नियरली 3 टाइम ज्यादा आती है, 60 पे आती है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो मोड्स इन्होंने दिखाए हैं, दो लेंथ जो हमने नोट करनी है। और ये फॉर्मूला नोट करिए, अब फॉर फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ L1 है लेमडा बाय फोर, सेकेंड के लिए 3 लेमडा बाय 4, उसका 3 टाइम्स बस। इस दोनों से आपने लेमडा निकाल लिया माइनस करके, फिर वी इज इक्वल टू लेमडा न्यू निकाल दिया। तो ये आपका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड का, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड L2 माइनस L1 इज चेंज इन लेंथ। आपको बस ये दोनों लेंथ चाहिए और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक चाहिए जो हमने 256 हर्ट्ज दी, ठीक है। इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, बस L1 और L2 चाहिए यहां तक। ये नीचे वाला फॉर्मूला नहीं करना है, यहां तक करना है वी इज इक्वल टू 2 ν L2 माइनस L1। आई विल राइट ऑन द बोर्ड ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, थ्योरी में इसी को आपने डिराइव कर लेना इन द सेम वे। चलिए आप प्रोसीजर देखिए एनिमेशन से, होल प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। Resonance column. Materials required: 2 tuning forks of frequencies 480 Hz, 512 Hz. Resonance column apparatus and a rubber hammer. Procedure. Take the tuning fork of frequency 512 Hz and place it horizontally over the open end of the tube. Excite it by striking it with a rubber hammer. It starts vibrating. Raise the tube slowly along with the tuning fork. Stop raising the tube when the maximum sound is heard. Note the length of the air column at that position. Record the resonating length L1 in a tabular column. Vibrate the tuning fork again and place it over the tube. Raise the tube further to a height approximately equal to 3 times the previous height, L1. Stop raising the tube when the maximum sound is heard and note the length of air column at that position. Record the second resonating length, L2, in the tabular column. Replace the tuning fork. Take the other tuning fork of frequency 480 Hz and place it horizontally over the open end of the tube. Excite it by striking it with a rubber hammer. It starts vibrating. Raise the tube slowly along with the tuning fork. Stop raising the tube when the maximum sound is heard. Note the length of the air column at that position. Record the first resonating length L1 in the tabular column. Vibrate the tuning fork again and place it over the tube. Raise the tube further to a height approximately equal to 3 times the previous height, L1. Stop raising the tube when the maximum sound is heard and note the length of air column at that position. Record the second resonating length, L2. Calculate L2 minus L1 in each case.
Calculate the velocities V1 and V2 in both the cases. Record the velocities in the tabular column. The mean value of V1 and V2 will give the... Okay, you know what is the speed of sound in air? That is about 330 meter per second. Hai na? So, yahan pe ab aap ye wala table note kar lo. Note down this table that you will draw. Theek hai? You can see from recording. So they have used two tuning forks of different frequencies. So ye readings aap likh lijiye. Baki simulator se hum reading waise bhi le lenge. Right? So ye dobara se dekh lo thoda sa. So they have to take two readings. Stop raising the tube when the maximum sound is heard and note the length of air column at that position. Record the second resonating length, L2. Calculate L2 minus L1 in each case. Calculate the velocities V1 and V2 in both the cases. Yes, see this calculation. So this is the formula for speed of sound. Speed is 2 nu. Nu is frequency of tuning fork. L2 minus L1. Jo do resonant length humne nikali hai, unka difference hai. ठीक है तो एक अबाउट 20 पे आ रहा है तो दूसरा अबाउट 60 पे आ रहा है तो उसी से आपकी वैल्यू आ जाएगी चलो बट आप दो रीडिंग्स ले लो आई विल शो यू सिमुलेटर आल्सो ठीक है तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सिमुलेटर विद यू यस सो वी कैन टेक द रीडिंग्स नाउ एयर है सराउंडिंग्स ठीक है टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है 12 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस होगा हाँ कितना है बताओ 20 है मॉर्निंग में 13 डिग्री सेल्सियस था व्हाट इज द टेम्परेचर नाउ गौरव थर्मोमीटर देना जरा क्यूब डायमीटर ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी उन्होंने 512 ली थी ना 512 ले ली थी देखो टेम्परेचर कितना हाँ 512 ले ली हमने ठीक है हिट ट्यूनिंग फोक साउंड सुनेगी आपको हिट ट्यूनिंग फोक ओके लेट अस सी द टेम्परेचर अभी हमने सेट नहीं किया यही है 20 पहले 20 ले लो चलो 20 इज द रूम टेम्परेचर राइट नाउ सो लेट सिलेक्ट 23 का 22 20 कर लेते हैं चलो 21 ले लेते कोई बात नहीं ठीक है तो अब ये घर पे आप कर सकते हो चेक इसको हाइट चेंज करते जाइए यहाँ पे ये देखिए और ये साउंड यहाँ पे मैक्सिमम आई ना ये आपकी रेजोनेंस है ये आपकी रेजोनेंट लेंथ है ठीक है ऐसे करके दो बार ही साउंड आएगी तो वो आपने फाइंड कर लेंगे कितनी लेंथ थी पहले 46 ये 16.8 पे आई ठीक है तो आपकी L1 होगी 16.8 और L2 आपकी 45.2 लाइक दैट ठीक है तो ये आप घर पे कर सकते हो ओ लैब से यू विल जस्ट टाइप ओ लैब हियर
प्लस वन, ये वाला एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करोगे, ये सिमुलेटर से भी आप रीडिंग ले सकते हो, बट अदरवाइज आई हैव शोड यू दैट टेबल ऑलरेडी। तो यहां से अब दूसरी फ्रिक्वेंसी भी ले सकते हो, 512 हर्ट्ज पे लिए हमने, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द बोर्ड नाउ, यू नोट इट डाउन। यस, एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क नाउ। चलो जाओ उधर, है ना, नोट करो। So our formula used is speed of sound in air is 2 nu L2 minus L1, where frequency of tuning fork is nu. Frequency of tuning fork, यहां मत ही लिखो, हम टेबल में ही लिख देते हैं इसको, because we are using two different tuning forks in the experiment. Virtually you can do this experiment now. Two readings we are taking. So frequency of tuning fork nu in hertz, आप इनका mean ले लोगे बाद में, ठीक है। Then resonant length L1 और उसी frequency के लिए L2, टू लेंथ वी आर नोटिंग डाउन, ठीक है। आफ्टर दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यहां पे लिखो इन एयर, और ऑब्जर्वेशन में रूम टेम्परेचर यू कैन राइट व्हाट टेम्परेचर वी आर टेकिंग। वी आर टेकिंग 20 degree Celsius, बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट in case of velocity, you know, at different velocities, sound will have different speed. So it depends upon temperature. Okay, so velocity of sound, ye aap calculate karoge, 2 nu L2 minus L1 se velocity aa jayegi aapki centimeter per second. Length centimeter mein, ye per second hai, to centimeter per second mein aa jayegi. So, ये पुट करके दो वेलोसिटीज आएंगी, उनकी एवरेज ले लो, ठीक है। सो देन आफ्टर दैट कैलकुलेशन तो हमने टेबल में डन कर ही ली है ऑलरेडी। सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज दिस मच, और 330 meter per second, मतलब आपको पता है 330 meter per second है, तो उसी के अराउंड आपका आंसर है। सो देन यू विल राइट द रिजल्ट, ठीक है। सो इज दिस एक्सपेरिमेंट क्लियर टू यू? वी आर नॉट गोइंग टू प्लॉट एनी ग्राफ इन दिस केस, सो दिस मच इज रिक्वायर्ड। वो लो फाइल, टेक अ पेज। Afterwards, you can tear later. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, camera put slightly right side पे कर दो। हाँ जी। आपके left side पे कर, yes, yes ma'am, ये बस, thank you. So this will give you velocity approximately 330 meter per second here around. Yes, any doubt to anyone, you can ask. If you have any doubts, you can ask students.
So in this term, we have done sonometer experiment, Newton's law of cooling. This is third one. One more experiment is left because they are saying in term two, according to board, we are to perform four experiments and three activities. ठीक है, तो ये आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट और रह गया, फिर हम एक्टिविटीज करेंगे. सो नेक्स्ट वीक वील डू दैट फोर्थ एक्सपेरिमेंट एंड देन वी विल डू द एक्टिविटीज एज वेल. आप लोग यहाँ पे आते तो इसको परफॉर्म कर सकते थे. अनूर, वुड यू लाइक टू परफॉर्म? चलो आप करो, ये नोट करो फॉरवर्ड, तो आप परफॉर्म करिए. चलो देख लो. आप इसको हिट कर रहे हो, इसके ऊपर रखते जाओ, फिर कान लगा के साथ ही सुनना भी है. टच नहीं करना, जोर से ऑसिलेशन सेट नहीं हुई अभी. मैं बताती हूँ, हाँ इसको यहाँ रखो, हिट वन प्रॉन्ग. नहीं नहीं अभी भी नहीं हुआ. मैं एक मिनट,